नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आज क्लासिक हिंदी कहानियों की श्रृंखला में प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी थाती। इसे प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, यानी स्वयं प्रभा झा। क्यों रोती हूँ? इसे नाहक पूछ कर जले पर नमक न छिड़को। जरा ठहरो, जी भर कर रो भी तो लेने दो। न जाने कितने दिनों के बाद आज मुझे खुलकर रोने का अवसर मिला है। मुझे रोने में सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसीलिए मैं रोती हूँ। रहने दो, इसमें बाधा न डालो, रोने दो। क्या कहा? किसके लिए रोती हूँ? हाँ, उसे सुनकर क्या करोगे? उससे तुम्हें कुछ लाभ न होगा, पूछो ही ना तो अच्छा है। मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ति है, जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हृदय में छिपाए हूँ। इतने पर भी सुनना ही चाहते हो तो लो, कहती हूँ। किंतु देखो, जो कहूँ वही सुनना और कुछ न पूछना। वे एक धनवान माता पिता के बेटे थे। ईश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था। जैसा उनका कलेवर सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर था उनका हृदय। वे बड़े ही नेक, दयालु और उदार प्रकृति के पुरुष थे। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते, बूढ़े आशीर्वाद की वर्षा करते, स्त्रियां उन्हें अपना सच्चा भाई और हितैषी समझती, और नवजवान उनके इशारे पर नाचते थे। तात्पर्य यह कि वे सभी के प्यारे थे और सभी पर उनका स्नेह था। मैं उन्हीं के गांव की बहू थी। मेरे पति वहीं प्राइमरी पाठशाला में मास्टर थे। घर में बूढ़ी सास थी, मेरे पति थे और मैं थी। महंगी का जमाना था, बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। घर के प्रायः सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मैं वैसे ही ब्याह कराई थी। मैं थी शहर की लड़की, वहाँ तो नलों से काम चलता था, भला कुएं से पानी भरना मैं क्या जानती। मेरी सास मुझे अपने साथ कुएं पर पानी भरना सिखा रही थी। अचानक वे न जाने कहां से आ गए, हंसकर बोले, क्या पानी भरने की शिक्षा दे रही हो माँ जी? आपने ऐसी अल्हड़ लड़की ब्याही ही क्यों, जिसे पानी भरना भी नहीं आता? मैंने घूंघट के भीतर ही जरा सा मुस्कुरा दिया। सास ने कहा, बेटा, इसे कुछ नहीं आता, बस रोटी भर अच्छा बनाती है, ना पीसना जाने ना कूटना। गोबर से तो इसे जैसे घिन आती है, बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है तो उसके बाद 10 बार हाथ धोती है। हम तो बेटा गरीब आदमी हैं, हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन मुझे अकेली ही पानी भरने जाना पड़ा। मैं रस्सी और घड़ा लेकर पानी भरने गई तो ज़रूर, पर दिल धड़क रहा था कि बनता है या नहीं। न सास साथ थी और न कोई और कुएं पर ही था। मैंने घूंघट खोल लिया और रस्सी को अच्छी तरह घड़े के मुंह पर बांध कर कुएं में डाल दिया। डप डप करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा। उसे खींचने लगी, किसी प्रकार खींचता ही ना था। ज्यों त्यों करके आधी रस्सी खींच पाई थी कि वे सामने से आते हुए दिखाई दिए। कुआं उनके अहाते के ही अंदर था और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था। सामने से वे आते हुए दिखे, लाज के मारे जो ही मैंने घूंघट सरकाने के लिए एक हाथ से रस्सी छोड़ी, त्यों ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरे हुए घड़े का वजन न संभाल सका। झटके के साथ रस्सी समेत घड़ा कुएं में जा गिरा। मैं भी गिरते गिरते बची। एक मिनट में यह सब कुछ हो गया।
वे बंगले से कुएं के पास आ चुके थे। मैं बड़ी घबराई, घूंघट उंघट सरकाना तो भूल गई, झुक कर कुएं में देखने लगी। मेरे पास तो रस्सी और घड़ा निकालने का कोई साधन ही न था। निरुपाय हो कातर दृष्टि से उनकी ओर देखा। मेरी अवस्था पर शायद उन्हें दया आई। वे पास आकर बोले, आप घबराइए नहीं, मैं अभी घड़ा निकलवा देता हूँ। फिर कुछ ठहर कर मुस्कुराते हुए बोले, किंतु आपने यह साबित कर दिया कि आप शहर की एक अल्हड़ लड़की हैं। मैं जरा हंसी और अपना घूंघट सरकाने लगी। मुझे घूंघट सरकाते देख वे जरा मुस्कुराए। मैं भी जरा हंस पड़ी पर कुछ बोली नहीं। उनके नौकर आए और देखते ही देखते रस्सी समेत घड़ा निकाल लिया गया। मैं घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चली। शब्दों में नहीं किंतु कृतज्ञता भरी आंखों से मैंने उनसे कहा, मैं आपके इस उपकार का बदला जीवन में कभी न चुका सकूंगी। करीब पौन घंटा कुएं पर लग गया। अम्मा जी की घुड़कियों का डर तो लगा ही था। जल्दी जल्दी आई, घड़े को घड़ौची पर रख रस्सी को खूंटी पर टांगने के लिए मैंने जो ही हाथ ऊपर उठाया, देखा कि एक हाथ का सोने का कंगन नहीं है। तुम कहोगे कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन, ये कैसा मेल? यह भी बताती हूँ। यह कंगन मेरी माँ का था। मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि यह कंगन ब्याह के समय मुझे पैर पूजाई में दिया जाए। इस प्रकार यह कंगन मुझे मिला था। रस्सी टांग कर मैं फिर कुएं की तरफ भागी। देखा तो वे सामने से आ रहे थे। उन्होंने ये कहकर कि यह तुम्हारे अल्लड़पन की दूसरी निशानी है, कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया। कंगन लेकर चुपचाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी घर आई। घर आकर देखा पतिदेव स्कूल से लौटे थे। अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थी, देखा नहीं बहू के लच्छन, एक घड़ा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लौटी और यहाँ पानी रखकर फिर दीवानी की तरह कुएं की तरफ भागी। मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर की लड़की ना ब्याह हो, पर तुम ना माने। बेटा भला ये हमारे घर निभने के लच्छन हैं? और सब तो सब, पर जमींदार के लड़के से बात किए बिना इसकी क्या अटकी थी। ये इधर से भागी जा रही थी, वो सामने से आ रहा था, उसने जाने क्या इसे दिया और इसने लेकर जेब में रख लिया। मुझे तो ये बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। फिर तुम्हारी बहू है, तुम जानो, बिगाड़ो चाहे बनाओ। मेरी क्या, मेरी तरफ देखकर उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी जेब में बतलाओ तो। मैंने कंगन निकालकर उनके सामने रख दिया। वे फिर डांट कर बोले, यह उसके पास कैसे पहुंचा? मैंने डरते डरते अपराधिनी की तरह आदि से लेकर अंत तक कुएं पर का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। इस पर अम्मा जी और पतिदेव दोनों ही की झिड़कियां मुझे सहनी पड़ी। साथ ही ताकीद भी कर दी गई कि मैं अब उनसे कभी न बोलूं। क्या पूछते हो, उनका नाम? हाय, रहने दो, मुझसे नाम न पूछो। उनका नाम जुबान पर लाने का मुझे अधिकार ही क्या है? तुम्हें तो मेरी कहानी से मतलब है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मुझसे कहा गया कि मैं उनसे कभी ना बोलूं। यदि यह लोग मुझे फिर कभी उनसे बोलते देख लेंगे तो फिर कुशल नहीं। मैंने दीन भाव से कहा, मुझसे घर के सब काम करवा लो, परंतु कल से मैं पानी भरने ना जाऊंगी। इस पर पतिदेव बिगड़ कर बोले, तुम पानी भरने ना जाओगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर नहीं रख सकता। यहाँ तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बतलाऊं कि क्या क्या हुआ। ज्यों ज्यों मुझे उनसे बोलने को रोका गया, त्यों त्यों
एक बार जी भरकर उनसे बात करने के लिए मेरी उत्कंठा प्रबल होती गई, किंतु मेरी यह साध कभी पूरी ना हुई। वे जाते जाते एक दो बातें बोल दिया करते, जिसके उत्तर में मैं केवल हंस दिया करती थी, लेकिन लोग यह भी न सह सके और दिल का ताड़ बन गया। अब मुझ पर घर में अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे। हर दो चार दिन बाद मुझ पर मार भी पड़ती, परंतु मैं कर ही क्या सकती थी। मैं तो उनसे बोलती भी ना थी और उनका बोलना बात करना मेरी शक्ति से परे था। उन्होंने मुझसे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो अनुचित कही जा सके। उन्हें तो शायद विधाता ने ही रोते हुए को हंसा देने की कला सिखाई थी। वे ऐसी मीठी चुटकी लेते, कभी हंसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से, इतनी नपीतुली कि मैं चाहे कितनी दुखी हूँ, चाहे कितने रंज में हूँ, हंसी आ ही जाती थी। किंतु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का पता उन्हें लग ही गया। उनके दयालु हृदय को इससे गहरी चोट पहुँची। उस दिन, अंतिम दिन, जब मैं पानी भरने गई, वे कुएं पर आए और मुझसे बोले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उनके स्वर में पीड़ा थी, शब्दों में माधुर्य और आंखों में ना जाने कितनी करुणा का सागर उमड़ रहा था। मैंने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखा। आज पहली ही बार तो वो इस प्रकार मेरे पास आकर बोले थे। उन्होंने कहा, पहली बात जो मैं तो कहना चाहता हूँ वो यह कि मेरे कारण तुम पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। यदि मुझे पता चल जाता तो वे अत्याचार कब के बंद हो चुके होते। दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूँ वह यह कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड़ कर फेंके देता हूँ। तुम खुश रहना मेरी अल्लड़ रानी। वे मुझे इसी नाम से पुकारते थे। यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहाँ लौट कर आऊँगा, नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूँ। मुझ पर बिजली सी गिरी। मैं कुछ बोल भी ना पाई थी कि वे मेरी आँखों से उजल हो गए। अब मेरी हालत पहले से ज़्यादा खराब थी। मेरा किसी काम में जीना लगता था। कलेजे में सदा एक आग सी सुलगा करती, परंतु मुझे खुलकर रोने का अधिकार न था। अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते हैं। मैं कुछ भी करूं करने देते हैं, इसीलिए तो आज खुलकर रो सकती हूं और तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूं। किंतु क्या तुम यह बता सकोगे कि वे कहाँ हैं? मैं एक बार उन्हें और देखना चाहती हूं। मेरी यह पीड़ा, मेरा यह उन्माद उन्हीं का दिया हुआ तो है। यदि कोई सहृदय उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौंप दूं। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी थाती। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।